उत्तर प्रदेश के बैतूल में महिला रसोइयों ने प्रदर्शन करते हुए मानते की जगह पीतन थीने और अच्छी गुणवत्ता का अनाज देने की मांग की है। राष्ट्रीय पर्वों पर उनसे बनवाए जाने वाले भोजन की राशि न मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। बता दें कि अटल सेना के नेतृत्व में सैकड़ों महिला रसोइया बैतूल में जुटी। उन्होंने शहीद भवन में अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर बड़ी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगें पूरी करने की गुहार लगाई है। रसोइयों ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन भोजन बनाने की व्यवस्थाओं में उनका शोषण हो रहा है। मानदेय भी सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहा है, जबकि उन्हें कलेक्ट्रेट दर पर भुगतान किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 26 जनवरी से 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर स्कूली बच्चों के समस्त स्टाफ और गाँव के सैकड़ों लोग खाना खाते हैं, इसका पैसा समूह को कौन देगा? इसका अलग से फंड होना चाहिए। जी, हमारी मांग है कि हम लोगों को साफ और स्वच्छ खाद्यान्न प्राप्त हो गए, और क्या नाम से हमको मानदेय नहीं वेतन चाहिए, और क्या नाम से समय पर हमको खाद्यान्न प्राप्त हो गए और अच्छा गुणवत्ता का हो, और क्या नाम से सिलेंडर हमको फ्री चाहिए, 1 महीने का 1 सिलेंडर फ्री चाहिए। हमारी मांग है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे पर्वों पर पूरा स्टाफ 40-50 लोगों का स्टाफ और गांव के 50 लोग भी वहां खाना खाते हैं, इसका पैसा कौन देगा? राजनीतिक यात्रा आ रही है, राजनीतिक रैलियां आ रही है, कोई विकास यात्रा आ रही है, कोई धर्म की यात्रा आ रही है, समूह पर दबाव बनाता है सरपंच सचिव, स्कूल का स्टाफ और समूह से खाना बनवाते हैं, इसका पैसा कौन देगा?